जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रोमचो, और जो आप हमें इतना प्यार स्नेह दे रहे हो उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो आप हमें इतना प्यार स्नेह दे रहे हो उसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप यदि हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको निःशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध करवाते हैं, साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियो की सीरीज़ भी आपके लिए हमेशा जारी रहती है। तो ये मोटिवेशनल सीरीज़ का वीडियो है दोस्तों, पढ़ाई में मन कैसे लगाए। मुझे बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं जो पूछते हैं कि गुरुजी, हम पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। फ़ोन पर पूछते हैं कि हम पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा पाते। बहुत से लोगों की मुझे ऐसा लगा कि परेशानी होगी, तो मेरे पास जो सामान्य से उपाय हैं, जिन उपायों से शायद आपको कुछ मदद पहुंचे, कुछ नहीं बहुत हद तक मदद पहुंचेगी। आप वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाएं दोस्तों, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल के माध्यम से पाएं। हाँ दोस्तों, एक और बात जो मैं कहना हमेशा भूल जाता हूँ, यदि कोई भी जीवन में तकलीफ हो, परेशानी हो, अपने फेसबुक पेज डॉक्टर रोमचो पर आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ से उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये फ़ोन नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वहाँ पर भी आप फ़ोन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात थी। मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मुझे बहुत से लोग होते हैं, पढ़ाई में मन लग नहीं लगने के कई वजह होते हैं। आलसी आती है, अच्छा नहीं लगता पढ़ना, बोझिल सा लगता है, बोरिंग सा लगता है। ये सामान्य दिक्कतें हैं नहीं पढ़ने की समस्याओं के साथ। दोस्तों, पहली मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊँगा, और सिर्फ पॉइंट पे ही आपको काम करना है। सबसे पहली बात, यदि आप मन से चाहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, सबसे पहली बात अपने मन में इस बात को पहले खुद आकलन कर ले कि हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ने से मेरा मतलब है कि शिक्षा एक अलग विषय, किताब पढ़ना, पढ़ाई में मन लगाना स्टडी होती है, या अध्ययन करना। आप कोई भी उम्र के व्यक्ति कोई कभी भी कर सकते हैं। हम सब पढ़ना चाहते हैं पर नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे पहली अपनी जिज्ञासा जगाए, क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं, अपनी जिज्ञासा, हमको जानने की इच्छा जो है हमारी जगाए, कुछ भी जानने की इच्छा जगाए। जब तक जानने की इच्छाएं नहीं जगेगी, तब तक इच्छाएं भी नहीं जगेगी। जानने की इच्छाएं जगाए। मैं पढ़ने में सिलेबस पढ़ना एक अलग विषय है, अध्ययन करना एक अलग विषय है। सिलेबस में भी आप पूरी जिज्ञासा के साथ पढ़े, ऐसा क्यों, इन 5 प्रश्नों का जवाब खोजने की, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, इन 5 प्रश्नों को अपने दिमाग में बिठा ले। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन हुआ, हर हर कोई सी भी घटना हो, कोई सा भी प्रसंग हो, या कोई सी भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें इन 5 मेथड्स को याद रखें। कब कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनका जवाब चाहिए हमें। और जब भी आपके मन में ये चीज़ें उठेगी, इनके जवाब चाहेंगे, तो आप बिल्कुल आप पढ़ने में आपका मन लगेगा, मन भी लगेगा, और आपको जानने की इच्छा और होगी। और एक और आपको बहुत कटु सत्य दोस्तों बता देता हूँ, कि जिस व्यक्ति का जितना अच्छा अध्ययन होता है, उसकी मानसिकता उतनी गजब की होती है। पढ़ने में भी कई तरीके के होते हैं। आप पॉजिटिव पढ़ेंगे तो आपका मानसिकता बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरा रहेगा, आपको बहुत सारी जानकारी रहेगी जिनसे कि आप लोगों की मदद कर पाएंगे। इसलिए अध्ययन करें, खुद के लिए नहीं तो उन लोगों के लिए अध्ययन करें कि जिनको हम सही राय दे सकें। बिना पढ़े हम किसी को सही तरीके से राय नहीं, हाँ मानवीय भावनाओं से दे सकते हैं, पर अच्छा अध्ययन करके नहीं दे सकते। इसलिए अच्छा अध्ययन के लिए 5 चीज़ों, बस बेसिक्स पर काम करना है, बेसिक्स चीज़ों पर। ये 5 चीज़ें याद रखेंगे आप, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, कैसे, ये 5W1H एक रूल है, उस रूल पर आप काम करें, ठीक कर लेंगे। दूसरी बात है, अब मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हैं, आपका मन नहीं लगता है, मन यहाँ जाता है वहाँ जाता है, पढ़ने से पहले ठंडे पानी से अपना मुंह धो लें, अपने पैर धो लें, 2 चीज़ जरूर धो लें। मुंह इसलिए धोएं और पैर इसलिए धोएं कि अगर मुंह और पैर दोनों आप ठंडे पैरों से हाथों से हाथ पैर और मुंह धोकर अगर बैठेंगे, तो आपकी आलसी जो है वो आलसी कुछ देर के लिए या कुछ पलों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए आपसे दूर हो जाएगी। और वो जैसे ही दूर होगी, आप जैसे ही कनेक्ट होने लगेंगे स्टडी में, पढ़ने में, तो कनेक्टिविटी आपकी हमेशा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते और बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। चलिए मान लीजिए आपके ये इस तरह भी नहीं, टारगेट सेट कर लीजिए कि 15 मिनट पढ़ूंगा या हर एक घंटे में 20 मिनट पढ़ूंगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ के और अपने अंदर इस चीज़ को जगाएं, 20 मिनट पढ़ूंगा हर घंटे में, मेरे को 20 मिनट पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 20 मिनट तो पढ़ना है। इस तरह का एक भाव लेकर पढ़ना है, ठीक है। तीसरी बात, 3 बातों पर आप काम करेंगे तो आप जरूर अच्छे से पढ़ पाएंगे। चौथी बात, क्या आप मान लीजिए आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, आपको उबाऊ लगता है, बोरिंग लगता है,
तो आपको जिस भी जगह अच्छा लगता हो, वहाँ जैसे गार्डन्स में जाकर किताब पढ़ लीजिए, छत पर बैठकर पढ़ लीजिए, कहीं भी जहाँ शांति में आपको जहाँ लगे वहाँ जाकर पढ़े, जहाँ आपको अच्छा लगे, मंदिर में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के आप काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे पढ़ने में रुचि जागेगी। रुचि जगने के बाद जब आप एक मुकाम तक पहुँच जाएंगे पढ़ने के अध्ययन में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, यानी कि आपसे किताबें छुड़वाना पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आप मंदिर दर्शन करने जरूर जाएँ, तो आपको बहुत, आप जिस भी धर्म को मानते हो वहाँ पर जरूर जाएँ, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। आप ध्यान करें, योग करें, इससे भी पढ़ने में मन लगता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो दोस्तों ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल इन पर अगर काम करेंगे तो आपको तुरंत 15 दिनों में असर मिलेगा और आप बहुत अच्छा पढ़ने में आपका मन लग जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सामान्य वीडियो आपको हमेशा बना के हम उपलब्ध करवाएं। वीडियो को लाइक करें, यदि आपको अच्छी लगा हो वीडियो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं डॉक्टर ओमचो। जय श्री महाकाल।